नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का जो शब्द हमने रखा है वो रखा है कोरोना, क्योंकि आपकी जुबान पर भी कोरोना ही कोरोना सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। हरियाणा में तो स्थिति को भांपते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू चल रहा है, चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू चल रहा है, यानी हरियाणा में भी हालात जिस तरह बढ़े हैं उससे ठीक नहीं लग रहे। इसलिए अब ऐसा देखा गया है कि 30 अप्रैल तक यहां स्कूल भी बंद कर दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ निजी स्कूल अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, उनके मुताबिक स्कूल खोले जाने चाहिए। अब सवाल यह है कि निजी स्कूल अपनी मनमानी क्यों करते हैं? फीस का मामला हो तो मनमानी, स्कूल खोलने का मामला हो तो मनमानी, वहीं कोरोना के मुद्दे पर भी सियासत हो रही है हरियाणा के अंदर। आज इसी मुद्दे पर करेंगे रणभूमि बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। निजी स्कूल आउट ऑफ कंट्रोल, नाइट कर्फ्यू से कोरोना होगा कंट्रोल? कोरोना से कैसे निपटेगी सरकार? देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब तो हालात ये हो चले हैं कि धीरे धीरे एक बार फिर देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ता दिख रहा है। जहां कई राज्यों के जिलों में लॉकडाउन चल रहा है तो कई जगह नाइट कर्फ्यू। हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया। हालात को देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक स्कूल फिर से बंद कर दिए हैं, लेकिन निजी स्कूल सरकार के फैसले से बेफिक्र हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन स्कूल खोलने पर आमादा है। आप एक ऐसा आदेश बिना पूछे आप दे दो, हम उसको जो है सही नहीं मानते। हम शिक्षक हैं तो हमें भी सुधार के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, तो हम तैयार हैं, हम वार्ता चाहते हैं। नहीं नहीं, देखिए फैसले को मानना ना मानना ये कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आप मानोगे नहीं मानोगे, तो सरकार का फैसला है, सभी को मानना ही है। जहां निजी स्कूल अपनी दलीलें दे रहे हैं, वहीं कोरोना जैसी महामारी पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने कोरोना को लेकर सरकार के इंतजामों पर सवाल उठा दिए हैं और प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के पूरे इंतजाम के लिए सीएम को चिट्ठी भी लिखी है। कर्फ्यू में का मकसद यह है कि लोगों को करा जाए, उससे बेहतर यह रहेगा कि वैक्सीनेशन पे जोर दिया जाए, टेस्टिंग पे, और लोगों को मास्क और जो है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ज्यादा दिया जाए। बहरहाल कोरोना की दूसरी लहर ने देश को डराया हुआ है। देश ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश में भी आए दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन का खतरा तो मंडरा ही रहा है, लेकिन जहां नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं, वहीं निजी स्कूल अपनी मनमानी पर अड़े हैं। अब सवाल ये है कि निजी स्कूल वाले ये क्यों नहीं समझ रहे, जान है तो जहान है। रिपोर्ट जी मीडिया चंडीगढ़। वाकई में आपने एक कहावत तो सुनी होगी जो हमारी रिपोर्ट में भी आपने देखा कि जान है तो जहान है। अब सवाल है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर जान है तो जहान है, लेकिन निजी स्कूलों को समझ में क्यों नहीं आ रही है ये बात, इस पर भी बात होगी। सियासत कैसे हो रही है, क्या वैक्सीनेशन की कमी है, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ इस पर भी बात होगी कि कहीं हम नाइट कर्फ्यू की से धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं। पहले आपको वीरेन चौहान है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, बजनदास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, कुलभूषण शर्मा है अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, निशा चोपड़ा है सामाजिक कार्यकर्ता है, एनजीओ चलाती हैं वो, और खासकर उन्होंने कोरोना काल में फ्री खाना दिया है जो पीड़ित परिवार हैं उन तक पहुंचा है। उन तमाम मसलों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं पहले कुलभूषण जी आपसे मेरा सवाल है। सर, लग रहा है निजी स्कूल वाले आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। कोरोना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही रहा है, लेकिन आप भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब देखिए, निजी स्कूल कहीं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल की बात मानेंगे, आपने कहा कि जान है तो जहान है, तो चुनाव इतने क्यों महान है मुझे ये बताइए कि जब जान है जहान तो है तो चुनाव स्थगित कर दिए जाने चाहिए थे। हमारे प्रधान जी कह रहे कि दो गज की दूरी बहुत है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। तो मैं चाहता हूं कांग्रेस बैठी चाहे बीजेपी बैठी है, दोनों ने बहुत खूब रैलियां की है, विदाउट मास्क की है,
और जो है रोड शो किए, तब जान है जहां नजर नहीं आई कि उन अभिभावकों के द्वारा बच्चों पे भी कोरोना जा सकता था। स्कूल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, हम शिक्षक हैं, हम आपको शिक्षा देना चाहते हैं कि शिक्षा में राजनीति मत करें। अगर कोरोना जो है सिर्फ स्कूल में ही कोरोना बैठा, आप ये बताइए इलेक्शन के बाद कोरोना आ जाता है फिर तो ऐसे वो आपने बहुत ही कुलभूषण जी आपने बहुत वाजिब पॉइंट उठाया, इस पर जवाब लेंगे, नेताओं से भी जवाब लेंगे क्योंकि वाकई में पश्चिम बंगाल में। लेकिन सर स्कूल के अंदर भी कोरोना के केस निकल रहे, सरकारी स्कूल जब खुले आपने देखा कितने कितने केसेस आए, शिक्षकों को कोरोना हुआ, तो हम बच्चों की जान जोखिम में क्यों डालें? आपको तो पैसा मिल ही रहा है, आप तो फिर भी मोटा कमा ही रहे हैं सर, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे आप मोटा कमा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, एनुअल चार्ज के नाम, आप तो लूट ही रहे हैं अभिभावकों को, तो लूटिए फिर आराम से। देखिए बात पैसे की नहीं है, आपने कहा कि कोरोना स्कूल्स में भी आ रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर स्कूल्स की इतनी चिंता है, बच्चों की इतनी चिंता है, तो टीचर को फ्रंट लाइन वॉरियर मानकर सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन देनी चाहिए थी। और आप कह रहे हैं स्कूल्स में पैसा आ रहा है, मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान के 70% स्कूल 1000 रुपए से कम फीस लेते हैं, ये सेंट्रल स्केयर फाउंडेशन की रिपोर्ट है। और इन स्कूलों में पिछले साल का भी 25-50% फीस नहीं आई है क्योंकि रिजल्ट से पहले कोरोना लग गया था और ज्यादातर किसान जो हैं, अरे सर इतने मान नहीं है स्कूल वाले जो फीस छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए सर ये बड़ी बड़ी बात मत मारिए, इतने मान नहीं है स्कूल वाले फीस छोड़ रहे, सिर्फ 5% इतने माने। चले मैं आ रहा हूँ, मैं लौटूंगा सर, मैं लौटूंगा, नहीं नहीं इतने अच्छे आंकड़े नहीं है स्कूल वालों के। विरेंचवान ये कह रहे हैं कि रैलियां तो आप कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं तो आम लोग परेशान होंगे, अगर आप रैलियां कर रहे हैं तो कोरोना नहीं आ रहा है, और स्कूल पर आप ये आदेश थोप रहे हैं कि भैया आपको बंद करने ही पड़ेंगे। देखिए ये अपने हितों की रक्षा करने के लिए या अपने आर्थिक हित की आवाज उठाने के लिए स्कूल संचालकों की एसोसिएशन अगर राजनीतिक भाषा में बात करना चाहती है तो उनको पूरी आजादी है ऐसा करने की, परंतु जो तथ्य जो सत्य सामने दिखाई दे रहा है उससे ये भी इनकार नहीं कर सकते, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। कुछ राजनीतिक लोग इन्हीं की तरह की भाषा बोलते हुए ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई रैली में तो कोरोना है नहीं और फलानी जगह कैसे है, तो दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है साहब, महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, कोरोना वहां है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल से कहलवा दें हमारे विपक्षी कि दिल्ली में कोरोना नहीं है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहलवा दें कि वहां विपक्षी वहां कोरोना नहीं है, तो हम भी उन लोगों की बात को मान लेंगे जो ये कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना तो यूं ही है और कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से सबको जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ये बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं साहब, कोरोना को वहम मत कहिए, कोरोना को कम करके मत आंकिए, कोरोना एक वास्तविक खतरा है, वास्तविक बीमारी है, वास्तविक समस्या है, और कोरोना कितना भयानक हो सकता है। लेकिन वीरेंद्र हमने डिबेट पे क्योंकि एक राजनीति भी हो रही है, क्योंकि सरकार वीरेंद्र जी मैं एक सवाल आ रहा हूँ बजरंग दास जी मुझे एक सवाल बताइए ना वीरेंद्र जी, देखिए राजनीति भी हो रही है, आप ठीक है आप सही संदेश दे रहे हैं वीरेंद्र चौहान, एक बात मैं कह रहा हूँ कि स्कूलों की मनमानी रहती है, एक बार हमने फीस पर भी डिस्कस किया था आपको याद है, और फिर हम बात कर रहे हैं कि वो स्कूल खोलने पर आमादा है, आपको नहीं लग रहा है कि आपकी सरकार डामाडोल है, कोई नहीं सुन रहा आपकी, निजी स्कूल तक वाले नहीं सुन रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए सब लोग। मैं दोहरा दूं आपके माध्यम से, फिर इनको भी कह रहा हूं और सब देखने सुनने वालों को कह रहा हूं कि कोरोना भयंकर वाली हकीकत का नाम है, एक वास्तविक बीमारी है, और उसकी गंभीरता अगर जाननी है तो उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपने परिजन इस बीमारी के कारण खोए हैं, जिनको जो है वेंटिलेटर पर जाना पड़ा है, उनको वो बताएंगे कि कोरोना कितना भयावह है। दूसरी बात ये कि चुनाव और स्कूल का संचालन इसमें अंतर करना पड़ेगा थोड़ा सा, चुनाव संवैधानिक बाध्यता है, संवैधानिक आवश्यकता है, परंतु स्कूल कोरोना अंतर नहीं देखता है, माफ कीजिएगा रहन दीजिए, रुक जाइए अब रुक जाइए, संवैधानिक अंतर मत बताइए, माफी चाहूंगा ये अंतर मुझे
मुझे मुझे हंसी आ रही है आपके अंतर बताने में सर। अरे कोरोना क्या, कोरोना को आप संवैधानिक पढ़ा रहे सर से, बेचारा संविधान कहाँ जानता है कोरोना। अरे बजरंग दास ठीक है वीरेंद्र चौहान जी बस सर हंस रहे हैं, देखिए बजरंग दास गर्ग भी हंस रहे हैं, निशा चोपड़ा भी हंस रहे हैं और कुलभूषण शर्मा भी हंस रहे हैं आपकी बात पे। सर रुक जाइए, रहने दीजिए, छोड़ देते हैं। से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप बेतुकी बातों पर बेतुकी अंदाज में बहुत बार ठीक है ठीक है ठीक है। बजरंग दास गर्ग सर प्राइवेट स्कूल कह रहे हैं कि खुलेंगे, हम जेल भी जाएंगे हम, कोई इश्यू नहीं है सर, फीस भी लेते तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि सरकार तो इन पर कुछ कंट्रोल कर नहीं पा रही है। और सरकार जो इंतजाम कर रही है सर कोरोना को लेकर, नाइट कर्फ्यू तक भी लगा दिए गए, तो आप ठीक है, संतुष्ट है आप, विपक्ष के तौर पर ठीक चल रहा है अभी प्रदेश में। जयप्रकाश जी, कोरोना से बचाव की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, और कोरोना भयंकर रूप ले चुका है, लगातार कोरोना फैल रहा है, हरियाणा नहीं पूरे देश में फैल रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं, मगर कोई भी समस्या है उसका समाधान सरकार को करना चाहिए। आप देखिए पहले भी कोरोना हुआ और पहले भी लॉकडाउन लगा, सरकार ने उस टाइम लॉकडाउन हुआ उस समय भी जो स्कूल बंद थे उसके बिजली के बिल लिए, हाउस टैक्स लिए, उनकी जो बसें थी लॉकडाउन में खड़ी रही, उनकी ड्राइवरों की तनख्वाह, कनेक्टरों की तनख्वाह, उनकी गाड़ियों की बैटरियां खराब हो गई, सिस्टम है गाड़ियां चलेगी तो बैटरी चार्ज होगी, अगर आप गाड़ी खड़ी कर दोगे, एक गाड़ी 15 दिन खड़ी कर दो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, डेड हो जाती है, ये एक सिस्टम है। तो सरकार को इनको स्कूलों से बातचीत करके, इनका जो एसोसिएशन है उससे बातचीत कर समस्या समाधान करना चाहिए, इनको राहत पैकेज देना चाहिए। ये कौन सी बात है, कोई दुकान बंद है, फैक्ट्री बंद है, स्कूल बंद है तो सरकार उस बंद का बिजली का बिल भी लेगी, हाउस टैक्स भी लेगी, अदर टैक्स भी लेगी, सरकार को भी सोचना चाहिए। आज कोरोना के समय में कितना भारी नुकसान, खाली स्कूल नहीं, देश के व्यापारियों को, प्रदेश के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को हुआ है, आप खाली स्कूल की बात लेके बैठे हो। आज देखिए हजारों लोग बजरंग दास उद्योग बंद हो चुके हैं, जो स्कूल पर आप दलील दे रहे सर, सर मजा नहीं आया सर, आप बैटरी की बात कर रहे सर, अभी देखिए कैसे वसूल रहे, अरे पैसा कैसे वसूल रहे बजरंग दास जी, रुकिए पहले निशा चोपड़ा बताएंगी, सामाजिक कार्यकर्ता और एक अभिभावक के तौर पर भी। निशा जी क्या आप मानती है कि स्कूल आउट ऑफ कंट्रोल चल रहे, मैं आ रहा हूँ बजरंग दास जी आ रहा हूँ, कि ये मनमानी फीस वसूल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम स्कूल खोलेंगे, निशा चोपड़ा। सर बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कर रहे हैं, कुलभूषण जी आपने अभी कहा कि रैली करने से या कुंभ करने से इनके केस नहीं बढ़ रहे, हाँ सर बढ़ रहे हैं और स्कूल से भी बढ़ रहे हैं, 15% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दिस फरीदाबाद इज अफेक्टेड ड्यू टू दिस कोविड बिकॉज ऑफ कुंभ एंड रैली। और जो ये स्कूल ओपन हुए हैं सर इससे भी बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। एंड वीरेंद्र सर आपने कहा कि संविधान के लिए ये आवश्यक है रैलियां, सर उनके बच्चे नहीं है क्या जो रैलियों में आ रहे हैं, उनके बच्चे नहीं इफेक्ट होंगे, तो स्कूल का बंद होना नितांत आवश्यक है। हाँ, और प्लस जो अभी जयप्रकाश सर बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो सिर्फ एक हफ्ता स्कूल खोल के स्कूलों ने चार्ज किए, आई डोंट वांट टू कोट पर्टिकुलर स्कूल बट आई हर्ड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कि मेनी मेनी स्कूल प्राइवेट स्कूल हैव चार्ज्ड ऑल द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और वो क्वार्टरली लिया गया है सर। तो मैं तो एक तो कोविड बढ़ने का कारण ये स्कूल खुलना भी मानती हूँ, कुंभ रैलीज भी मानती हूँ और ये जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही है मैं इनको भी मानती हूँ। ठीक है, तो ठीक है बजरंग दास जी, देखा बजरंग दास जी मैंने इसलिए रोकना पड़ा और निशा चोपड़ा के पास इसलिए गया कि एक अभिभावक के तौर पर बताया कि देखिए कैसे एनुअल चार्जेस ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट, स्कूल वाले अच्छे नहीं है, कहीं सोच रहे हो कि निजी स्कूल वाले बढ़िया है, माफी कर दीजिए, इनको पैकेज दिला दीजिए, ये वसूल लेंगे, ये वसूल लेंगे, बच्चों को भगा देंगे क्लास से। सुनो मैं जयप्रकाश जी, मैं कोई स्कूल की बढ़ाई नहीं कर रहा, पांच स्कूल तो हमारे हिसार के अंदर हम खुद चला रहे हैं, हमारी प्राइवेट संस्था चला रही है, गोइंग का लड़कियों का स्कूल है
और PGH TGN गोइंग का कई स्कूल बना रखे हैं जिसके अंदर 3500 बच्चे पढ़ते हैं, देवी भवन संस्था है, 50% बच्चे हम फ्री पढ़ा रहे हैं और 50% की नॉर्मल चार्जिंग लेकर और जितना खर्चा स्कूल में लगता है वो हमारी संस्था जो डोनेशन से चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूँ हकीकत में कई समस्याएं हैं, सरकार को भी थोड़ी उसका समस्या का समाधान करना चाहिए। जैसे हमारी बहन जी ने कहा भी क्वार्टरली इन्होंने ले लिया, वो गलत है। आपके पास ही आऊंगा ना, वीरेंद्र जी बुधाने की बात क्या दोहरा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्वार्टरली अगर इन्होंने लिया है गलत है, जब बंद स्कूल है उसकी बच्चों की फीस लेते हैं तो भी गलत है, ट्रांसपोर्टिंग किराया उसकी फीस लेते हैं तो भी गलत है, मगर सरकार ने क्या किया आप जाकर इसे पूछिए, सरकार ने बंद दुकानों का, बंद फैक्ट्रियों का, बंद स्कूलों का, बंद बैंकट हॉल का, बंद हॉस्पिटलों का, इन्होंने क्या करा, बिजली के बिल ले लिए, हाउस टैक्स ले लिए, सभी प्रकार के टैक्स ले लिए, हाल ही में इन्होंने जो बिजली का बिल आता है एक महीने का उसके एवरेज के हिसाब से 2 महीने का एडवांस बिजली की सिक्योरिटी का नया कानून हाल ही के अंदर 10 दिन पहले लेके आए, कुछ भी नया नहीं है, छोटा काम तो ये सरकार भी तो करी है, गलत है भाई। अरे गुमराह नहीं वीरेंद्र भाई, तुम बिल्कुल झूठी बात करते हो, आप जनता को गुमराह करते हो, टीवी के अंदर बैठ के फजूली बात करते हो, आप बताइए, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2 महीने अपने सिक्योरिटी, ठीक है वीरेंद्र जी आप जवाब दीजिए, वीरेंद्र जी जवाब दीजिए, वीरेंद्र जी जवाब दीजिए, यही तो हम दिखा रहे हैं, एक तरफ स्कूल अपनी मनमानी और सियासत भी देखिए कोरोना पर कैसे, वीरेंद्र जी जवाब। जयप्रकाश, एक तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि सरकार जो भी निर्णय करेगी लोकहित में करेगी, लोकहित में निर्णय पूर्व में भी लिए गए हैं, वो कई बार निर्णय कड़वे हो सकते हैं, कठोर हो सकते हैं, लेकिन लोकहित में लिए गए सरकार के निर्णयों को सबको मानना होता है, मानना होगा। स्कूल एसोसिएशन ये कह के कि हम हमारा मानने जाते हम खतरे में हैं, इंदर भाई हर कानून को आप लाठी की जोर भाग नहीं सकते, आप कहते हो सरकार जो कानून लागू कर देगी, आपने मंडियां बर्बाद कर दी, हरियाणा की मंडियों के ऊपर नया फरमान जारी कर दिया आपने, किसानों पर नया फरमान जारी कर दिया, प्रकाश अगर आप इनको नहीं रोक सकते हमें कहा जा रहा है, डिबेट क्या कहा जा रहा है, छोड़ने क्या बात करते हो, आप डंडे की जोर पर सरकार चलाओगे, लोग डंडे की जोर पर लोग दबाओगे, आप आपने हरियाणा की मंडिया बर्बाद कर दी, बिल्कुल आप जारी साबित कर सकते हैं जो कहा जा रहा है, चलिए सर मैं यही तो दिखा रहा था सर, हमारा जो बिंदु था ना सर किया जाए नहीं देना, अरे तो फिर बुलाते क्यों हो, ठीक है बजरंगदास जी रुकिए ना, अब जवाब ले लेते वीरेंद्र चौहान जी ने, आपने जो आरोप लगाया ना, आपने जो आरोप लगाया उनका जवाब ले लेते, फिर मैं आ रहा हूँ, मैं कुलभूषण जी आप पर भी आऊंगा, जय प्रकाश जी इनसे एक सवाल पूछिए, हाँ पूछिए फिर जवाब देंगे, फिर आप चुप रहिए, बिल आते हैं मंत्री 2 महीने स्कूटी ली इन्होंने ली बिल्कुल ली, वीरेंद्र चौहान जी दे दीजिए जवाब, अब दीजिए आप कैसे वसूल रहे, आप सिक्योरिटी के नाम पर वसूल रहे, आप तो मेरे एक शख्स से हुई, एक बुजुर्ग से हुई, बताइए देखिए सरकार कैसे पैसा वसूल ले रही है, वीरेंद्र चौहान जी जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूँ कुलभूषण जी आपके पास भी आऊंगा, वीरेंद्र जी जवाब। लोकहित में सरकार जो निर्णय करेगी सुविचार करके करेगी और जो निर्णय लिया जाएगा वो सबको मानना होगा, ऐसा मैं निजी स्कूलों के खोलने के विषय में भी कह रहा हूं, कोई एसोसिएशन वो केवल अपने आर्थिक हितों की रक्षा के नाम पर सरकार के निर्देशों का अनुपालन ना करने की अगर उद्घोषणा करती है तो इस तरह की बात ये सहन नहीं की जा सकती, स्वीकार नहीं की जा सकती। दूसरी बात, आपकी कुछ हार्डशिप्स हैं अगर निजी स्कूलों की एसोसिएशन की या संचालकों की, तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री वे हमेशा आपसे बात करने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पूरे देश के सामने, उसमें हरियाणा एक्सक्लूसिव नहीं है, कोरोना एक बड़े संकट के रूप में खड़ा है, केवल इसलिए कि आप कुछ संस्थाएं या विद्यालय संकट में हैं, देश के नौनिहालों को, बच्चों को, उनके परिवारों को संकट में नहीं डाला जा सकता, ये बात आपको समझनी होगी। अभिभावक अगर इस खतरे के समय में अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप चला लेना स्कूल,
कैसे चला लोगे स्कूल विद्यार्थियों के बिना? तो कुल मिलाकर अभिभावक, स्कूल संचालक, इन सबकी भावनाओं को जानते हुए समझते हुए अंतिम निर्णय करने का अधिकार सरकार का है। भजनदास गर्ग जी का जवाब दीजिए ना आपने, जो उन्होंने सवाल उठाए सर, भजनदास गर्ग जी जो कह रहे हैं जल्दी से, या फिर मुझे कुलभूषण जी से रिएक्शन लेना है। बजरंग दास जी गर्ग को तो मुझे सिर्फ इतना कहना है, बजरंग जी कोरोना के संकट काल में सरकार ने करोड़ों लोगों को, करोड़ों नागरिकों को बात अलग, अलग अलग बड़े भाई वीरेंद्र भाई कोरोना छोड़ो, फिर आप बीच में बोल रहे हो। बिल आपने बिजली का बिल, बजरंग दास गर्ग को का माइक्रोफोन बिल की बात कर रहे हो, बात मत घुमाओ, कुछ भी बोलते रहोगे बीच में, कंट्रोल छोड़ो। सुन लीजिए आप एक बार, आप फजूली बात करना फायदा, अरे फजूली आप बात ये बताइए, जयप्रकाश कोई कंट्रोल वंट्रोल नहीं है क्या? अरे सर आप जब अब वो आपसे एक सवाल पूछे उसका जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे चले जाए अगले मेहमान को। जवाब कैसे दे दूंगा मैं? अरे वो पूछे बिजली के बिल, बस इतना बता दीजिए, नहीं आएंगे आएंगे। आप उनको रोक, आप में अगर आपको केवल मेरी बारी में दखल देना आता है कि और किसी को भी रोकते हो? सर मैं तो रोक रहा हूँ ना, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अगले गेस्ट की तरफ जाऊँ ना सर, आप बताइए ना। मैं रुको फिर रुक गए भजनदास जी, रुक गए, रोकने रोकने के चक्कर में टाइम निकल जाता है, रुकिए। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी जवाब दे दीजिए। मैंने पहले कहा कोरोना के संकट काल में करोड़ों नागरिकों को सरकार ने कई लाख करोड़ रुपए की राहत अलग अलग अंदाज में दी, लेकिन राजनीति का खेल खेलने वाले बजरंग जी कहते हैं। अरे सर ये चार वर्ग बैठे हैं सर, ये भजनदास जी कुछ आया आपको? कुलभूषण जी आपको कुछ आया? आप तो स्कूल से जुड़े हैं, चलिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं पूछूंगा। निशा चोपड़ा जी को कुछ मिला क्या? बढ़ा कर दिया। अरे बता, आपने कहा करोड़ों जेब में डाल दिया, आप तो ले रहे सर, व्यापारी अरे मैं वही तो पूछा, आप सब वर्ग से पूछ रहा हूँ, कहा दे दिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की राहत कुलभूषण जी, अब आपके बिंदु की बात करता हूँ सर। कुलभूषण जी रुकिए, वीरेन जी रुकिए, भजनदास जी, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, मैं समझ गया भजनदास जी, मैं आ रहा हूँ। अरे ठीक है सर, अरे नहीं दिया, नहीं दिया हमें तो मिला नहीं, इनको भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, दे दिया होगा अच्छी बात है सर, जिनको मिल गया बहुत खुशी की बात है। कुलभूषण शर्मा आप जो दलील दे रहे हैं, आपकी बातों की बात मैं करूं सर, आप भी मानते हैं कि देखिए स्कूल चलने चाहिए क्योंकि आप फीस ले रहे हैं, कोई स्कूल नहीं छोड़ रहा फीस, आपको बता दूं सर कोई बड़ा निजी स्कूल नहीं छोड़ रहा है, लेकिन कुलभूषण जी आप कहते हैं कि देखिए बच्चे परेशान हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, ये भी ठीक है, गांव में आते हैं आपके, मैं प्रेस के आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बिंदु पढ़ के बता रहा हूं, आप लोगों ने यह भी दलील ली कि गांव में जाइए नेटवर्क नहीं आ रहा है तो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, आपकी कुछ और बात कुलभूषण जी? हाँ जयप्रकाश जी, आपने कहा कि बड़े स्कूल ले रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में है कितने, 3.5% स्कूल, और 96.4% स्कूल, आप उनका मूल्यांकन करा लीजिए, हम यहीं पर गारंटी देते हैं। सर स्कूल खोलने पर आप क्यों अड़े हैं, आप मुझे बताइए ना, स्कूल खोलने पर क्यों अड़े हैं आप, फीस के लिए या कोई समाज हित के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं फीस नहीं, हमें बच्चों की सुरक्षा भी चाहिए, जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने विचार करके, किससे विचार किया, हमसे कोई विचार नहीं किया, आपने 20 लाख करोड़ का 10 लाख करोड़ का पैकेज दिया, 2 करोड़ टीचर्स को 1 रुपए की भी राहत नहीं मिली, सिर्फ तेलंगाना की सरकार है जिसने 2000 रुपए प्राइवेट स्कूलों को प्रतिमाह और 25 किलो चावल अनाउंस किया हिंदुस्तान की, और किसी सरकार ने ना केंद्र सरकार ने किया, हम इससे भी असहमत हैं। जो आप कह रहे हैं कि हम बसों के चार्जेस ले रहे हैं, आप मूल्यांकन करा ले, अगर बसें चलाए बगैर 2% स्कूलों ने भी लिए हो तो उनसे आप वापस ले ले, 98% ने नहीं लिए होंगे। मैं आपको नहीं मिला पैसा, निशा चोपड़ा, एक सवाल आपसे, आपको लग रहा है कि स्कूल बंद करने, नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या कोरोना पर कंट्रोल कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि आप तो कोरोना मरीजों के बीच में रहती है, आप जाती है, क्या ऐसा लगता है आपको निशा चोपड़ा? रुके 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 कुलभूषण जी, आप दोबारा क्वेश्चन बोलिए क्योंकि मैं सुन नहीं पाई। मेरा सवाल था निजी स्कूल बंद करने से या नाइट कर्फ्यू लगाने से या लॉकडाउन लग जाए, क्या उससे लगता है कि कोरोना कंट्रोल हो गया, हमें जागरूक रहने की जरूरत है?
नहीं सर, इससे तो कोरोना नहीं रुकने वाला, कोरोना तो रुकेगा अवेयरनेस से कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। वीरेंद्र सर, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी सी कड़ाई तो सरकार को बरतनी पड़ेगी स्कूल की मनमानी पे, क्योंकि स्कूल जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ले रहे हैं, ट्यूशन फी तो उन्होंने पहले भी बंद नहीं करी थी जब लॉकडाउन के दौरान बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चली हुई थी। आप कह रहे हैं कि गांव में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है इसलिए स्कूल कॉलेजेस आपने ओपन करवाए, पर सर आप एक बात थोड़ा सा और देखिए कि अगर आपको ये सब करना है तो फर्स्ट तो आपको स्कूल और कॉलेजेस में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी चाहिए पर स्कूल पर कॉलेज दोनों डोजेस के बाद, उसके भी 15 दिन बाद। सर आपको आपको तो हेल्थ डिपार्टमेंट से गाइडलाइन आई होगी, आप खुद देख लीजिए कि उसके बावजूद। मैं समझ गया मैम, आप चाहती है कि स्कूलों में वैक्सीनेशन हो। मेरे पास वक्त की कमी है, आप मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका भी, लेकिन अभी स्थिति जो दिख रही है वो दिख रही है अपनी ढपली अपना अपना राग। स्कूल वाले अलग कह रहे हैं, बीजेपी अलग कह रही है, कांग्रेस अपना अलग कह रही है। रणभूमि आज के लिए बस इतना, कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।